बिहार के सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में भले ही शराबबंदी लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उसे पी नहीं रहे। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है, जहां 26 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के सिवान और छपरा जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है। शुरुआती दौर में केवल 9 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन धीरे धीरे मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में शराब के अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं और आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे नियंत्रण करने के लिए कोशिश लगातार जारी है। सिविल सर्जन की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले लोगों में छपरा के 8 लोग शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों की एक टीम तुरंत इलाके में भेजी गई और करीब 12 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार सरकार ने हाल ही में कबूल किया है कि अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से अवैध शराब के सेवन से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पीड़ितों ने मंगलवार रात को जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद से वो बीमार पड़ गए। इसी के साथ डीएम का कहना है कि जिला प्रशासन ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। निषेध और आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।